मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ें। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। कल हम लोग मनन कर रहे थे कैसे ये आदर्श स्त्री वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और उस खेत में मेहनत करती है और उसे एक फलदायक जमीन बनाती है। वो अपने कमर को कसती है, वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। आज प्रभु की आत्मा हमें बताती है स्त्री की अगली खूबी। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। इसका मतलब वो अपने मेहनत के विषय में गंभीर है। वो एक ऐसी स्त्री नहीं है जो काम करते वक्त उससे लगे कि उसके काम से ऐसे लगे कि इसको और कोई काम नहीं था इसलिए ये कर रही है। ये अपने काम को आनंद से करती है, अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से पूरा दिल जान लगाकर अपना काम करती है और वो ये ध्यान करती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। यानी अपने काम पर ध्यान रखती है, निरीक्षण करती रहती है कि क्या उसका काम लाभदायक होगा या नहीं, उसका मेहनत व्यर्थ में जाने नहीं देगी। इसलिए रात को भी देर रात को भी उसका दिया नहीं बुझता क्योंकि वो काम कर रही है। अपने शरीर के आराम के बारे में नहीं सोचती, उसने दिन भर मेहनत किया है लेकिन फिर भी जब तक काम खत्म नहीं होता वो मेहनत करती है क्योंकि उसका काम बेकार व्यर्थ ना हो जाए वरन लाभदायक हो। पूरी दुनिया आराम कर रही है लेकिन वो अपने काम में व्यस्त है। इस स्त्री की इच्छा शक्ति को देखें, इसके समर्पण को देखें। वो साधारण बल से भी बढ़कर ऊपर उठती है और दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनती है अपने जीवन के द्वारा। दूसरे ऐसे स्त्री पर भरोसा करते हैं क्योंकि विश्वास योग्य है। जो कोई उसके साथ व्यापार करते हैं वो जानते हैं कि वो बुद्धिमान है, समझदार है, अपना काम सही करती है और उसके साथ व्यापार करने के लिए वो खुश हैं क्योंकि उन्हें इसकी बातों पर और कामों पर भरोसा है। आप में से कई जो ये वचन सुन रहे हैं, शायद आप देर रात तक अपने शरीर के लिए मेहनत करते हैं, शरीर की आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ध्यान रखें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से बढ़कर हमने अपने आत्मिक जीवन का ध्यान देना है। हमारी आत्मिक जीवन का ध्यान देते वक्त अति आवश्यक है उसके साथ साथ हम प्रभु के दाग की बारी में भी मेहनत करें, यानी जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उस काम को भी पूरा करें। हमारे दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को जरा देखें, जब वो इस पृथ्वी में सेवा कर रहे थे दिन भर वो सेवा में समय बिताते थे और रात को पिता के चरणों में प्रार्थना में समय बिताते थे, अपने बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार करते थे जिसके लिए वो इस पापमय दुनिया में आए। मेरा विश्वास है हमारा प्रभु हमारे लिए बीचवाई करता होगा क्योंकि हमें वो अनंत काल के प्रेम से इस जगत की उत्पत्ति के पहले प्रभु ने देखा और हमारे प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और सच है वो इसी दुनिया में अपनी कलीसिया बना रहे हैं जहां पर शैतान पूरे जोर शोर से राज्य करता है। परमेश्वर के संतान के तौर पर क्या मुझे सौंपे गए काम में मैं गंभीर हूं? मैं संसार के व्यवसाय के विषय में नहीं, बिजनेस के बारे में नहीं, वरन अपनी आत्मिक जीवन के बारे में। जो आत्मिक आशीष मैंने प्रभु से पाई, स्वर्ग मुझे देख रहा है, क्या मैं उस विषय में गंभीर हूं? क्या मैं अपने आत्मिक जीवन का देखभाल करता हूं? परमेश्वर ने जो मुझे खूबियां दी क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं उनको अलग हटा कर रखता हूं और पूरा दिन बुड़बुड़ाते और संसार की चीजों के पीछे भागता रहता हूं, या मैं प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आप को बलवंत करता हूं ताकि मैं अपने काम को पूरा करूं। स्वर्गीय पिता ने हमें जो काम सौंपा है उसे हमें इधर से जाने के पहले पूरा करना है।
परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के पहले मुझे वो काम पूरा खत्म करना है। क्या स्वर्ग मेरे जीवन को देखकर प्रसन्न होकर कहेगा, मेरा विश्वास योग्य दास विश्राम में प्रवेश कर। मेरा विश्वास है, मेरा सोच है, जो कोई इधर आराम करता है उसे अनंत काल में आराम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत आराम कर लिया, बहुत मजे कर लिए। प्यारे भाई और बहन, इन दिनों में हम अपने जीवन को गंभीरता से लें। ये बहुमूल्य जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये हमारा अनंत काल तय करता है। स्वर्ग हमें देख रहा है, हम अपने इस नए जीवन को कितनी गंभीरता से लेते हैं जो हमें मसीह यीशु के द्वारा मिला है। क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं? क्या मैंने प्रभु से जो पाई आशीषें उनको मैं प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूं? प्रभु ने मुझे दिए गए खूबियों को क्या मैं प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं लोगों के लिए बीचवाई करता हूं और आत्मिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार हूं? आइए मेहनत करें, हमारा दिया बुझने ना पाए। जल्दी से आराम करने के लिए हम जल्दी से उसे ना बुझाएं। आइए हम मेहनत करें उस आश्वासन के साथ कि हमारा प्रभु में जो मेहनत है व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। काम को पूरा करें विश्राम में प्रवेश करने के पहले। काम पूरा कर लें, हमारे लिए प्रभु विश्राम इंतजाम किया है। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु इन दिनों में हम एक एक इस आदर्श स्त्री के जीवन के द्वारा जब हम आप हमसे बात कर रहे हैं, पाप अपने जीवन को गंभीरता से लेने के लिए और सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद करें। ये जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए, सुस्ती और लापरवाही में इसे बर्बाद करने का मौका हमारे जीवन में ना हो। जब दुनिया अपने ऐश के पीछे भागते वक्त प्रभु मेहनती होकर अपने आत्मिक जीवन का देखभाल करने के लिए और दूसरों के पीछे भी मेहनत करने के लिए आप हमें सहायता करें, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो। जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी हो। हमें ज्ञान और समझ दें, आपकी महिमा हम चाहते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।